गाजीपुर से किरण नाय वरिष्ठ पत्रकार की रिपोर्ट। सिर्फ इतनी सी बात पर बस मालिक के पुत्र ने कंडक्टर व खलासी को मारी गोली, कंडक्टर की मौत व खलासी की हालत गंभीर। गाजीपुर शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित रोजा मोहम्मदाबाद बस स्टैंड पर बस मालिक के पुत्र ने हिसाब किताब के दौरान कंडक्टर और खलासी को गोली मार दिया, जिसमें प्राइवेट बस कंडक्टर की मौत हो गई, वहीं खलासी की हालत गंभीर बनी हुई है। यह वारदात शनिवार की देर रात को हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अफसर इस मामले की छानबीन में जुट गए हैं। आजमगढ़ जनपद के सिधारी थाना क्षेत्र स्थित चकभाई खान गांव निवासी राम केवल यादव 50 लगभग 25 वर्षों से वाराणसी से गाजीपुर जाने वाली खान प्राइवेट बस पर कंडक्टर की नौकरी करता था। शनिवार की देर रात चालक भरत ने कंडक्टर को मालिक से मिलने के लिए मोहम्मदाबाद बस स्टैंड पर बुलाया था। जब कंडक्टर वहां पहुंचा तो बस मालिक का पुत्र अंशु ने उससे गाड़ी हिसाब किताब पूछने लगा। अभी उन दोनों के बीच बातचीत चल ही रही थी कि किसी बात से नाराज होकर अंशु ने कंडक्टर पर असलहा तान दिया और जब तक वो कुछ समझ पाता उसने गोली चला दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद दबंग बस मालिक पुत्र ने इसके बाद भामबकौल सुखडेहरा निवासी खलासी संजय यादव के ऊपर भी पिस्टल से फायर झोंक दिया। संयोग अच्छा रहा कि गोली उसके दाहिने कंधे में जा लगी। इस घटना के बाद मौके पर भीड़ जुट गई। घायल कंडक्टर को जिला चिकित्सालय भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं खलासी संजय यादव की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाबत परिजनों ने आरोपी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया है। कोतवाल दिलीप सिंह ने बताया कि जांच की जा रही है, जल्द ही आरोपी गिरफ्त में होगा। बीती रात जनपद गाजीपुर के सदर कोतवाली थाना अंतर्गत मोहम्मदाबाद बस स्टेशन पर खान बस सर्विस के मालिक के लड़के अंशु उर्फ दानियाल खान ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से अपने ही खलासी और पे गोली चला दी, जिसपे खलासी के कंधे से छूटी हुई गोली गई और पीछे बैठे कंडक्टर के सीने में लग गई, जिसको अस्पताल ले जाएगा जहां पे उनकी मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि जो कंडक्टर था और उनके खलासी थे, किसी दूसरी बस के किसी मामले में लड़ाई झगड़ा हुआ था और इन लोगों ने फोन कर दिया, इन्होंने आकर के और ये घटना कारित की है। थाना सदर कोतवाली में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है कि और अंशु को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसकी पिस्टल बरामद कर ली गई है। इस संदर्भ में गहराई से छानबीन की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे तदनुसार कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।